अरे दोस्तों, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है उनकी संख्या 67% है। लगभग 80 करोड़ से 90 करोड़ हमारी जो देश की जनसंख्या है वो युवा पीढ़ियों की है। तो हमारा ये संकल्प है, क्योंकि हम विवेकानंद और बुद्ध भगवान के शिष्य हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हों, जिसमें जोश हो अपने देश को महान बनाने के लिए, और इसीलिए वो कर्म पथ पर चलते रहें, वो बिल्कुल विश्वास के साथ जीते रहें, जो चरित्रवान बने, विचारवान बने, बुद्धिवान बने, कर्मठ बने, अश्रु श्वेत रक्त भी देश के लिए देने को तैयार रहें, ईमानदारी के रास्ते कभी नहीं भूलें, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलें, और जो हमारा राष्ट्र नायक हो उनके पद चिन्हों पर चल के भारत माता को हम देश का एक प्रगतिशील दुनिया का सबसे महान शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं। इसमें क्षमता है और जिम्मेदारी हमारे इन बच्चों को। अगर ये बच्चे जागरूक हो गए, इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाता है, इसीलिए आप लोग मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, जितना ही तुम जलोगे सोने की तरह उतना चमक के बाहर आओगे। तो आप हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, हमारे साथ बोलिए, यस सर। हम भारतवर्ष के युवा पीढ़ी के लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहेगी, आत्म सर्वभूतेषु की भावना रहेगी, विश्व में पीस एंड हार्मनी फैलाएंगे, हम कभी नफरत नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, दिन रात केवल देश के विकास के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम लोग काम क्रोध मदलोभ मोह को त्याग देंगे और अपने जीवन की सारी कुर्बानियां देके अपने देश को समृद्ध बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।